नमस्ते प्रणाम। मैं आपका भाई शुभम और बहुत स्वागत मेरे चैनल में, आप सबका वेलकम है। भैया एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, आप सबको भी बखूबी अब तक पता चल ही गया होगा, नहीं चला है तो जो बचा खुचा है मैं बता देता हूँ। बहुत तेज़ी से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि पवन सिंह जी ने 4 यूट्यूबर पर फाइल दर्ज करवाया है, केस दर्ज करवाया है, मानहानि का केस दर्ज करवाया है और मानसिक रूप से परेशान करना और प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया गया है। 4 यूट्यूबरों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम बखूबी पता है महेश पांडे, जो कि भोजपुरी एंटरटेनमेंट चलाते हैं, सुमित द्विवेदी पवन है और एक और है, दो लोग और है जिसका नाम मुझे कुछ कंफर्म याद नहीं आ रहा है। ये 4 लोगों पे केस दर्ज कराया गया था। कुछ लोगों को लग रहा है कि अभी पवन सिंह ने केस दर्ज कराया, नहीं, ये केस 2021 में दर्ज कराया गया था, पवन जी के द्वारा करवाया गया था 2021 में, 2 साल पहले करवाया गया था। अभी इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी 2023 में केस का फाइल ओपन हुआ है, इसी केस का फाइल ओपन हुआ है फिर से, और फाइल ओपन होने के कारण ये चीज़ चर्चा में आ चुका है, ये मैटर चर्चा में आ चुका है कि पवन सिंह ने 4 यूट्यूबरों पर केस दर्ज करवाया। केस तो ऑलरेडी 2 साल पहले दर्ज हो चुका था लेकिन फाइल ओपन अभी हुआ है, इसीलिए इस पर चर्चा हो रही है और ये न्यूज़ तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों ये बात सच है कि पवन सिंह ने इन 4 यूट्यूबरों पर केस फाइल दर्ज करवाया था मानहानि का और मानसिक रूप से परेशान करना प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया था, ये सच है और ये सही भी है, और ये सही भी एक हद तक मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि आप किसी का बड़ाई करिए, आप किसी सुपरस्टार का बड़ाई करिए लेकिन किसी अनदर सुपरस्टार को नीचा मत दिखाइए। अगर कोई अनदर सुपरस्टार गलत भी है तो उसको उसका एक तरीका होता है उसको गलत दिखाने का, हम लोग गलत नहीं दिखाते हैं, हम भी दिखाते हैं, पवन जी अगर गलत हो तो पवन जी को गलत दिखाते हैं, खेसारी जी गलत है तो खेसारी जी को गलत दिखाते हैं, या फिर कोई भी सुपरस्टार हो गलत है तो उसको गलत दिखाते हैं, लेकिन एक तरीके से, एक सलीके से, ना कि उसका माँ बहन करके, ना कि उसको अभद्र टिप्पणी करके, सही तरीके से दिखाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कोई इंसान हमेशा टेंशन में रहे, हमेशा उसी के बारे में सोचे, तो उसको आप मानसिक रूप से उसको उस पर तनाव जो है ना उस पर प्रेशर डालते हैं, तो इंसान को करना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। तो पवन जी ने सही किया था, 2021 का केस है, अभी फाइल ओपन हुआ है। अब आगे क्या प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस ये होने वाला है कि जिन जिन लोगों पे केस हुआ है, जिन जिन लोगों पे केस हुआ है उन लोगों को जाकर अब थाने से बेल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जाकर थाने से बेल लेना पड़ेगा, ये अगला प्रोसेस है। अगर बेल नहीं लिए तो अनवांटेड बेल रिलीज हो जाएगा, और अनवांटेड बेल जब रिलीज होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि इन चारों को जेल भी जाना पड़ेगा। तो एक सही एक्शन है पवन जी के द्वारा, हालांकि एक्शन तो 2021 में ले लिया गया था, जो भी था, जब भी लिया गया था एकदम सही किया गया था और हम सपोर्ट भी करेंगे। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अगर किसी भी स्टार पर अभद्र टिप्पणी करता है, उसके फैमिली को लेके, उसको लेके, या फिर उसकी माँ बहन को गाली देता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, तो उस पर आप फाइल केस दर्ज करा सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए सारे यूट्यूबर सावधान हो चुके हैं, भैया सब सलीके से सही तरीके से न्यूज़ बना रहे हैं। मैं भी यहीं आप लोग से अनुरोध करूँगा, जितने यूट्यूबर भाई हैं, कि प्लीज़ अच्छे से न्यूज़ बनाइए, अच्छी खबरें दें, पॉजिटिव चीज़ें दें समाज में और सबसे बचे। तो देखते हैं अब आगे का एक्शन क्या होता है, ये लोग बेल कराते हैं या फिर जेल जाना पसंद करते हैं, हमको नहीं पता। तो ये थी पूरी मैटर की सच्चाई, जो भी आगे अपडेट आएगा आप सब तक पहुँचाया जाएगा। तब तक इतना ही, नमस्ते।